सर्वेषामि दानानां ज्ञानदानं विशिष्यते। दिल्ली, जहां देश की राजधानी होने के नाते राजनीति का केंद्र भी मानी जाती है, वहीं विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों के कारण शिक्षा का केंद्र भी है। जहां एक तरफ दिल्ली में नामी यूनिवर्सिटीज व कॉलेजेस की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ क्रिएटिव इंस्टीट्यूट भी छात्रों को नए आयाम देने में लगे हैं। ऐसे तो दिल्ली में बहुत से क्रिएटिव और लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं। अगर बात की जाए दिल्ली में मौजूद किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की जो सक्षम है अपने अनोखे अंदाज से लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड दिलाने में, तो उसमें एक नाम आता है, भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन। सन 1980 में विजय भास्कर द्वारा शुरू किया गया भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन इंग्लिश सीखने की चाहत रखने वालों की पहली पसंद बन रहा है। शायद तभी इस इंस्टीट्यूशन पर नए स्टूडेंट्स का तांता हमेशा देखने को मिलता है। भास्कर स्कूल की स्थापना हमने 1980 में की। पढ़ना और पढ़ाना मेरा पैशन था। इस भावना से प्रेरित होकर मैंने अपने पिताजी की सहायता से इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा गया भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन। दरअसल इस इंस्टीट्यूशन की खासियत है विजय भास्कर द्वारा इन्वेंट किया गया एक अनोखा तरीका, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति कम समय में ज्यादा शब्दों की समझ रख सकता है और अपनी वोकैबुलरी कम समय में मजबूत कर सकता है। दूसरे इंस्टीट्यूट जो अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं जिस ढंग से, और हमारे ढंग में अंतर क्या है? हम यहाँ पर वर्ड मीनिंग पढ़ाते नहीं हैं, वर्ड मीनिंग याद करने की टेक्निक बताते हैं। ये स्पेशलिटी है हमारी। I like Bhaskar School because of its congenial atmosphere and the way of teaching. I like Bhaskar School because Bhaskar School makes the students a good speaker. Bhaskar School is a social institution which not only imparts education to the society but also teaches more on values to the students. Bhaskar sir is an awesome personality. I have no words to express my feeling for the sir. I just want to say that he is the teacher in the real sense of the word. Heads off to Bhaskar sir. Hello friends, my name is Bhavna Singh. I'm working here in RHDC Primary Health Center. मुझे याद है जब मैंने भास्कर स्कूल ज्वाइन किया था, तब मैं बहुत गलतियाँ किया करती थी। मैं जाता हूँ कि भी अंग्रेज़ी नहीं आती थी, बट नाउ आई एम हेयर एज यू कैन सी एंड आई एम वर्किंग हेयर एज एन क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर एंड वट पोजिशन आई हैव अचीव दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ भास्कर स्कूल।
Hi dear, my name is Raj Pradeep Singh. In the year 1992, I was a student in Bhaskar School. Currently, I'm working as a barrister and solicitor in New Zealand. I want to tell you about Bhaskar School, that this is a brilliant school run by a very intelligent scholar, Mr. Vijay Bhaskar. When I attended my first class, it was Main Jata Hoon, I go. So I think these things, you know, really matter. So what I really suggest to you or recommend to you, that go and learn English in Bhaskar School. That will be really worth. Bhaskar School rocks. English jinko aati hai wo aage badh jate hain, warna yun hi baithe baithe peeche reh jate hain. Joining Bhaskar School was the biggest milestone of my life. It has really transformed me from what I was and what I am now. The complete package of basic English learning, vocabulary, communication skills, group discussions, voice and accent is only provided at Bhaskar School. And it really takes you to the zenith of your life. So last but not the least, all the credit goes to Mr. Bhaskar and whole team of Bhaskar School of English Language and Conversation. Thank you so much for changing my life. English jinko aati hai wo aage badh jate hain, warna yun hi baithe baithe peeche reh jate hain. हमारे यहाँ विद्यार्थियों को रोल प्ले कराए जाते हैं. हम मॉक पार्लियामेंट भी बनाते हैं कई बार, कि एक को प्रधानमंत्री बना दिया, एक को लोकसभा का स्पीकर बना दिया, बाकी एमपीज हो गए. तो अंग्रेज़ी में डिबेट करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं. और आप बड़ा आश्चर्य करेंगे, हमारे यहाँ पढ़ने के लिए वो अध्यापक लोग भी आते हैं जो सरकारी स्कूलों में स्वयं अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी अंग्रेज़ी में कमज़ोर होते हैं, अंग्रेज़ी बोलने में भी, और कई बार तो वो अंग्रेजी पढ़ाने की टेक्निक मुझसे पूछ के जाते हैं. मेरी फ्यूचर प्लान्स जो हैं, दिल्ली में 2013 में हम 10 ब्रांचेस खोलेंगे, और उसके बाद 2014 में हम पूरे भारत के अंदर अपनी ब्रांचेस को फैलाएंगे. ना हमारे पैम्फलेट्स हैं, ना हमारा न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट. हमारे सबसे बड़े जो पब्लिसिटी के माध्यम हैं वो हमारे विद्यार्थी हैं. क्या आपको इन शब्दों को समझने में और बोलने में कोई परेशानी होती है? क्या आपकी रिपोर्ट कार्ड का अंग्रेजी का हिस्सा लाल रंग से भरा पड़ा है? क्या अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपकी तरक्की में बाधक है? यदि हाँ, तो आपकी समस्या का समाधान है हमारे पास. Imperative sentences. Imperative sentences क्या होते हैं? Imperative sentence वो sentence होता है जिसमें आता है order, request, command, suggestion, advice, एक्सेट्रा. जिस वाक्य के अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस वगैरह वगैरह हो, ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? एक आवाज मौजूद है, हम क्या बोलते हैं?
अब इसकी निशानी क्या है? अभी लिखिए मत, पहले अंडरस्टैंड कीजिए। लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। हमारे टेंसेस खत्म हो चुके हैं और टेंसेस के बाद हम ग्रामर शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में जो आपको ग्रामर की लेसन पढ़ाए जाएंगे वो सारे के सारे अधिकतर टेंसेस पर बेस्ड है। और आप देखेंगे कि टेंसेस पढ़ने के बाद, उनको अंडरस्टैंड करने के बाद जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश इतनी ईजी लगती है। आप उन लोगों का मजाक उड़ाएंगे जो आपसे ये कहते हैं यार अंग्रेजी बोलना लिखना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है अंग्रेजी को लिखना और बोलना, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो। अगर बेस नहीं बना तो फिर आपको आगे के लेसन समझ नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? एक याद इंच, इज इट क्लियर? अब इसकी निशानी क्या है? जैसे हमने टेंसेस पहले पढ़े थे तो हमने देखा था ना कि हर टेंस के अंदर निशानी थी। प्रेजेंट टेंस में क्या लगता था? वर्ब की पहली फॉर्म। पास्ट टेंस में क्या लगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड और वर्ब की पहली फॉर्म, है ना। और प्रेजेंट टेंस में एक निशानी और भी थी, क्या थी वो? डू और डज वर्ब की पहली फॉर्म। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एसआईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एसआईएस लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या था? वाज वर्ब प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था? इज एम आर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी। तो हर टेंस के अंदर हमने क्या देखा? कोई ना कोई निशानी है, कोई हेल्पिंग वर्ब आता है और कोई मेन वर्ब आता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब इसमें क्या निशानी है? इसमें निशानी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे हर टेंस में निशानी थी, हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस की भी निशानी बना दी। क्या? वर्ब की। बोली वर्ब की। वर्ब की। बोली आप लोग वर्ब की। अब पहला सेंटेंस मैंने दिया, मैंने क्या दिया? मैं कहा भाई मैं जाता हूं। अब मैं की बजाय मैं तुम करता हूं, क्योंकि ऑर्डर हमेशा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को देगा। जिसमें ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, कमांड होगा, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को देगा, या मैं आपको ऑर्डर दूंगा या आप मुझे ऑर्डर देंगे, ऐसे होगा ना। या आप लोग मुझे ऑर्डर देंगे या मैं आपको ऑर्डर दूंगा। बोलिए यस सर। मैंने कहा भाई तुम जाते हो, तुम जाते हो। अभी टेंस कौन सा? कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट डेफिनेट। इज इट क्लियर? अब इसकी अंग्रेजी बनाई हमने यू गो। अब दूसरा मैंने दिया तुम जाओ, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? यू गो क्यों आया? क्यों? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां ऑर्डर, तुम जाओ। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा ए तुम जाओ, चलो तुम स्कूल जाओ, तैयार हो जाओ, शराब मत पीजिए, सजेशन हो गया, सिगरेट मत पीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, रोज अपने माता पिता के पांव छुआ करो। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार के वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब जैसे मैंने कहा मुझे पीटिए, प्लीज कृपा करके मुझे पीटिए ना, शिवा जी मुझे कई दिनों से मेरी पिटाई नहीं, प्लीज मुझे पीटिए। पीटिए आप बड़े गंभीर हो गए, क्या बात है? तो हमने क्या किया, जिस वाक्य के अंदर ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड सजेशन एडवाइस वगैरह वगैरह देखा उसको नाम क्या दिया? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे, तुम जाते हो और तुम जाओ। दोनों की अंग्रेजी यू बन रही है। अब आप देखिएगा मैं एक काम करने वाला हूं, जरा गौर से देखना। आपने कहा भी ये तो इंपेरेटिव है और ये वाला क्या बोला ऊपर वाला? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैंने इन दोनों को मिटा दिया,
देखिए मिटा रहा हूं, मिटा दिया। अब दोनों के अंदर क्या है, यू गो यू। अब आपको पता लग रहा है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा, इंपेरेटिव कौन सा? जोर की बोलिए, पता लग रहा है? क्यों नहीं पता लग रहा? क्योंकि दोनों की अंग्रेजी एक ही है, दोनों में वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर। अब मैंने फिर से दोबारा से लिख दिया। अब मैं इसको पढ़ता हूं, यू गो, और मैं गए यू गो। तो जब दोनों की अंग्रेजी एक है तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये वाला इंपेरेटिव? कैसे पता लगेगा? हमें पता लगेगा टोन से, बोलने के ढंग से पता लगेगा। मैंने एक में बोल रहा हूं, मैं यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, ए यू गो टू स्कूल, टोन में अंतर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में लत्ती वर्ब की पहली फॉर्म है, और हम पता कैसे करते हैं? हम बोलने के ढंग से, बोलने के अंदाज से, बोलने की टोन से पता करते हैं कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है या इंपेरेटिव। ये तो है पहला डिफरेंस प्रेजेंट डेफिनेट में और इंपेरेटिव में। ये डिफरेंस क्यों बताया गया? क्योंकि अंग्रेजी में दोनों की ही निशानी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज इट क्लियर? मुझे मजा नहीं आता, जोर की आवाज इनकी, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ग्रेट। नाउ नंबर थ्री। अब मैंने कहा भाई जॉब, अब हमने देखी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और इंपेरेटिव में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों की ही निशानी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा भाई तुम जाओ, वर्ब की पहली फॉर्म क्या आएगा? गो। अब दूसरा डिफरेंस क्या पता लगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कोई ना कोई प्रोनाउन जरूर होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जरूर होगा, और इंपेरेटिव जो है बिना फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को ऑर्डर देता है। मैं कहता हूं गो, गो का मतलब क्या है? यू गो, तुम जाओ। इज इट क्लियर? अब मैंने दिया नंबर फोर में, मत जाओ। क्या दिया मैंने? डू नॉट गो। डू नॉट गो को हम शॉर्ट में डोंट गो भी बोलते हैं, और डोंट गो। इज इट क्लियर? डू नॉट गो और डोंट गो। नंबर मैं इधर लिख देता हूं, नंबर फाइव, बड़ों का आदर करो। तो मैंने दिया भाई रिस्पेक्ट द एल्डर। इज इट क्लियर? नंबर सिक्स, एक बात मैं देता हूं, अरे भाई शाम को मेरे घर आना, शाम को मेरे, शाम को मेरे घर। अब मैंने कहा भाई काम, वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? काम टू माय हाउस, इन द काम टू माई हाउस इन द इवनिंग। अब नंबर सेवन में मैंने बोला, मैं इधर देख रहा हूं ताकि उधर जगह बचे और बाकी लिखूंगा। नंबर सेवन में मैंने बोला शाम को मेरे घर जरूर आना। शाम को मेरे घर जरूर आना। अब जहां पर जरूर शब्द का प्रयोग हो वहां क्या करोगे? वहां पर डू शब्द का, हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। हम कहेंगे डू का डू कम टू माई हाउस इन द इवनिंग। इज इट क्लियर? डू कम टू माई हाउस इन द इवनिंग। समझ आ रही है आप लोगों को? बुरी जोर की बोली, यस सर। राइट। नाउ नंबर एट, भाई मुझे फोन करना। अब फोन करने की टू मेक ए फोन कॉल होती है, फोन करना, या मुझे फोन करना फोन वर्ब भी है, फोन फोन फोन। मुझे फोन करना, आप क्या बोलेंगे? फोन मी। इज इट क्लियर?
अब नंबर 9 मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि उधर की जगह में और वाक्य लिखेंगे। मुझे मुझे फोन जरूर कर, क्या आएगा? डू फोन। नंबर 10, नंबर 10 कोई और वाक्य दीजिए। सत्य बोलिए, सत्य बोलो। वर्ब की पहली फॉर्म क्या होती है? बोलने का, टू स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो क्या आएगा? स्पीक द ट्रुथ। और नंबर 11 में मैं देता हूं, सत्य अवश्य बोलो। क्या आएगा? डू, डू स्पीक द ट्रुथ। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। तो डू स्पीक द ट्रुथ। तो ये आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आई? प्रेजेंट इंडेफिनिट की और इंपेरेटिव की टेंसेस की निशानी वही है, दोनों में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, राइट? और जहां पर बात को जोर दे के कहना हो वहां पर हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। अब इसी का, इससे हटकर है वो, क्योंकि उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता, तो वो मैं आपको इसके बाद लिख पाता हूं। पहले ये उतार दीजिए, और कोई चीज किसी को समझ ना आए तो अपने दाएं बाएं एक दूसरे की कॉपी में देखकर कीजिए, गलत मत उतारिएगा। सेंटेंस नंबर 1, तुम जाते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू गो। सेंटेंस नंबर 2, तुम जाओ, यू गो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 3, जाओ, गो। आप लोगों ने चलिए, तो सेंटेंस नंबर 1 क्या है? बोली मेरे साथ, यू गो। बोली यू गो, तुम जाओ, यू गो, जाओ। आवाज एक आनी चाहिए, जाओ, गो, मत जाओ, डू नॉट गो, और डोंट गो। आवाज नहीं है, डोंट गो। नंबर 5, बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। शाम को मेरे घर आना, कम टू माई हाउस इन द इवनिंग। अरे ऐसे गाइए जैसे गीत गा रहे हैं, मस्ती में गाइए, लर्न कीजिए। दोबारा से बोलिए, शाम को मेरे घर आना, कम टू माई हाउस इन द इवनिंग। शाम को मेरे घर जरूर आना, डू कम टू माई हाउस इन द इवनिंग। मुझे फोन करना, फोन मी। नंबर 9, मुझे फोन जरूर करना, डू फोन मी। नंबर 10, सत्य बोलो, स्पीक द ट्रूथ, सत्य अवश्य बोलो, डू स्पीक द ट्रूथ। बोली बार बार, डू स्पीक द ट्रूथ। बोली मेरे साथ,
यू गो, बोली यू गो, तुम जाओ, यू गो, जाओ, आवाज एक आनी चाहिए, जाओ, गो, मत जाओ, डू नॉट गो, और डोंट गो, आवाज नहीं है, डोंट गो। नंबर फाइव, बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। शाम को मेरे घर आना, कम टू माई हाउस इन द इवनिंग। अरे ऐसे गाइए जैसे गीत गा रहे हैं, मस्ती में गाइए, लर्न कीजिए। दोबारा से बोलिए, शाम को मेरे घर आना, कम टू माई हाउस इन द इवनिंग। शाम को मेरे घर जरूर आना, डू कम टू माई हाउस इन द इवनिंग। मुझे फोन करना, फोन मी। नंबर नाइन, मुझे फोन जरूर करना, डू फोन मी। नंबर टेन, सत्य बोलो, स्पीक द ट्रूथ, सत्य अवश्य बोलो, डू स्पीक द ट्रूथ। बोलिए बार बार, डू स्पीक द ट्रूथ, डू ट्रूथ। अगर खाली यही बोलोगे डू स्पीक द ट्रूथ, ये बोलते बोलते आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा कि हमें जीवन के अंदर सत्य को धारण करना चाहिए। आदमी जैसा सुनता है, जैसा देखता है, वैसा ही उसके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। इज इट क्लियर? आप कोई फिल्म देख करके आओ। मैंने अभी अमेरिका में अप्रैल के महीने में, इसी साल मार्च के महीने में, अप्रैल में तो मैं इंडिया वापस आया, तो अमेरिका में टाइटैनिक मूवी देखी। तो मुझे मूवी इतनी अच्छी लगी कि रात को जब मैं सो रहा था तो नींद में मुझे टाइटैनिक जो फिल्म थी उसके सीन आते थे। तो जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सोच सुनेंगे, हम उसके प्रभाव से बच नहीं सकते। तो बोलिए, डू स्पीक द ट्रूथ, डू स्पीक द ट्रूथ, डू स्पीक द ट्रूथ। आप सेंटेंस नंबर 12 लिखिए। अब मैं खाली इंग्लिश लिखाऊं या हिंदी भी साथ लिखाऊं? इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखिए। नंबर 12 लिखिए, सुबह जल्दी उठिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। पैरेट्स रिपीट करेंगे, सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। हाँ, सुबह जल्दी उठिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। राइज अर्ली एंड प्रे टू गॉड, 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 नो एंड प्रे टू गॉड, राइज अर्ली एंड प्रे टू गॉड। बिल्कुल ठीक है। नंबर 13, नंबर बोलिए आप, नंबर, मैं नंबर बोलूंगा, आप आगे मुझे जवाब देंगे। पूजा कीजिए, नंबर 13, पूजा कीजिए। जब मैं पूरा बोलूं उसके बाद आप बोलिए, अब फिर मैं ही बोलूंगा, सुनते रहिएगा। आप लोग ठीक नहीं बोल रहे। पूजा कीजिए किसी, देखा, इस देश की जड़ों के अंदर घुसा हुआ भगवान की पूजा करो, देवी देवताओं की पूजा करो, लेकिन जो जीवित परमात्मा आपके घर में बैठे हैं, आपके माता पिता, उनकी पूजा करने की बात कोई भी नहीं करता। इज इट क्लियर? कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि आप अपने माता पिता की पूजा करो। तो परमात्मा तो आपने देखा नहीं, जिसे देखा नहीं उसकी तो पूजा की बात कर रहे हैं, और जिसे देखा है उसकी पूजा की बात भी करता नहीं। इज इट क्लियर? तो वर्शिप लिखिए, पूजा करो अपने माता पिता की, पूजा करो अपने माता पिता की। वर्शिप योर पेरेंट्स, वर्शिप योर पेरेंट्स, WORSHIP। टू वर्शिप माने पूजा करना, तो वर्शिप माने पूजा करना, वर्शिप, वर्शिप और वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप्ड, वर्शिप। नेक्स्ट लिखिए,
लिखा आपने टू वर्शिप, पूजा करना, वर्शिप, वर्शिप्ड, वर्शिप. नंबर 14, अपनी माता को भगवान समझो. लिखिए नंबर बोलिए, जोर की बोलिए. नंबर 14, अपनी माता को भगवान समझिए. अब समझने की अंग्रेजी क्या होती है, ये मिटा दूं मैं? Yes, may I wipe it off? Yes, sir. May I wipe it off? Yes, sir. माता को भगवान समझी. लिखा आप लोगों ने, बोलिए. लुक अपॉन योर मदर, लुक अपॉन योर मदर एज गॉड, लुक अपॉन योर मदर एज गॉड. जी कैपिटल, जी ओ डी, गॉड. नंबर 15, अपने पिता को भगवान समझिए. अपने पिता को भगवान समझिए. तो क्या आएगा, लुक अपॉन योर फादर एज गॉड. देखिए, लुक अपॉन योर फादर एज गॉड. चलिए नंबर, बस दो वाक्य और दे रहा हूं. देखिए 16, लर्न गुड मैनर्स, LEARN, लर्न गुड मैनर्स इन द स्कूल. Learn good manners in the school. Learn good manners in school. Number 17. Don't use D-O-N apostrophe, comma, T. Don't use bad words. Don't use bad words. W-O-R-D-S. Number 18. Do your homework. Do your homework, H-O-M-E-W-O-R-K. Do your homework properly, P-R-O-P-E-R-L-Y. Do your homework properly, P-R-O-P-E-R-L-Y. Likha aap logon ne? Yes, sir. Likha? Yes, sir. Do your homework properly. Everything. Next, number 19. चलिए 20 पूरे कर देता हूं. Number 19. Be punctual. B-E-B. B के तीन फॉर्म होते हैं. B, was, be. To be माने होना. Be, was, be, was, been. Be punctual. ये सेंटेंस में लिख रहा हूं. Be punctual. P-U-N-C-T-U-A-L. Be punctual to
स्कूल मतलब समय के पाबंद रहिए अपने स्कूल के लिए, समय पर स्कूल पहुंचिए। जब भास्कर स्कूल की क्लासेस लगती हैं तो आप लोग सुबह 7 बजे यहाँ पहुँचते हैं, तो देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में, आता नहीं आता? अगर आप 7:10 पे आए, 7:15 आए, 7:20 पे आए तो पढ़ने का मजा आधा हो जाएगा। समय पर आप नहीं आएंगे तो आपका कोर्स पूरा नहीं होगा, आप लर्न नहीं कर पाएंगे। आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम राइट और रॉन्ग? एक आवाज, आई एम राइट और रॉन्ग? ग्रेट। नेक्स्ट नंबर, नंबर 28। और कभी भी आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, अब हम किसे पूछते हैं क्या हाल चाल है, आमतौर पर लोग रिवाज आवाज अपना उसका जवाब क्या देते हैं, ठीक है यार गुजर रही है, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई पूछे क्या हाल है तो भगवान की बड़ी दया, मस्त है, बड़े मजे में है। क्या बोलोगे? मजे में है। क्या बोलोगे? जोर की बोली, क्या बोलेंगे? मजे में है। तो कभी मरियल सा चेहरा लेके मत आइए, याद रखिएगा कोई भी व्यक्ति आपकी उदासी को दूर करने का कारण नहीं बन सकता, आपको स्वयं अपनी उदासी दूर करनी है, आपको स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना है। अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं ढूंढेंगे तो कोई व्यक्ति आपकी मदद करने नहीं आएगा। इज इट क्लियर? एक निखट्टू बेटा है, माता पिता उसकी बड़ी मदद करते हैं, तो एक चीज ऐसी आती है कि माँ बाप भी क्या कहते हैं, अच्छा बेटा आप क्या करें तेरा जो भाग्य, तो ये क्या करके माँ बाप भी अपने बच्चे से पल्ला छुड़ा लेते हैं। एक से जाने पर एक ऐसी नौबत आती है, तो कर्म कीजिए, सत्य बोलिए, सत्य के मार्ग पर चलिए, परमात्मा भी आपकी मदद करेगा। आखिरी वाक्य मैंने दिया है, नेवर बी मोरोज, नेवर नेवर बी मोरोज, एम ओ आर ओ एस सी, कभी भी उदास मत रहिए, एम ओ आर ओ एस ई, मोरोज, रोज होता है गुलाब का फूल, ये समझो गुलाब का फूल बेचारा मुरझा गया, राइट? नेवर बी मोरोज, कभी भी उदास मत रहिए, मरियल से मत रहिए, हमेशा चीयरफुल रहिए। लिखिए आखिरी वाक्य लिखवा दूं मैं, 21, ऑलवेज बी चीयरफुल, ऑलवेज बी, ऑलवेज बी चीयरफुल। इज इट क्लियर? चलिए, ऑलवेज बी चीयरफुल, CHEERFUL। अब मैं 5 मिनट का आपको 2 वाक्य और देता हूं, उसका इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो इसलिए मैं वो दे रहा हूं। जैसे ये उतार लिया आप लोगों ने, ऑलवेज बी चीयरफुल, हमेशा प्रसन्न रहिए। अब देखिए पार्ट डी लिख लीजिए, ये इंपेरेटिव का नहीं है लेकिन चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पर जोर दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं ये दे रहा हूं। अब कई बार हम कहते हैं यार वो तेरे घर आता है, जैसे मैंने कहा अरे दिलावर सिंह, दिलावर सिंह, देखिए दिलावर सिंह ही, हु इज दिलावर सिंह, बोलो आई एम दिलावर सिंह, खड़े होके बोलिए आई एम दिलावर सिंह, या बैठिए। अब मैंने कहा दिलावर तू मेरे घर आएगा, तो आपने कहा यार ये बताओ ये शिव कुमार जी आएंगे या नहीं आएंगे, मैं कहा यार वो तो शिव तो रोज आता है मेरे घर, तू बता तू आएगा नहीं आएगा, वो तो आता ही आता, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं हिंदी में, बोलिए बोलते नहीं बोलते? अब मैंने कहा वो तो आता ही आता है, संदेह नंबर वन, वह तो आता ही आता है। अब जहां पर हमने जवाब देकर कोई बात कही नहीं है, देखा आप लोगों ने, वह तो आता ही आता है, तू बता तू आएगा नहीं आएगा, आप बताइए आम चालू हिंदी में आप बोलते नहीं बोलते ऐसी बात? बोलते हैं ना भाई, यस सर नो सर, तो क्या बोलेंगे हम ऐसे वाक्यों में? हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हम बोलेंगे ही डज कम, ही कम्स होता है, आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब में एस आई एस लग जाएगा तो मेन वर्ब के अंदर एस आई एस नहीं लगेगा, तो क्या बना? ही डज कम, ही कम्स नहीं आएगा। नंबर दूसरा, अब मैंने कहा भी अरे पता है क्या हुआ, कल मेरे घर में वो आए थे नरसिम्हा राव जी,
हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो आपने कहा यार तू झूठ बोल रहा। मैं कहा मजाक नहीं कर रहा, सच्ची कसम से वो आए थे भाई, आए थे। क्या बोला मैंने? जोर की बोली। क्या बोला? अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड पार्ट है जो आपको आगे चलकर पढ़ाया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट के तीन पार्ट है। अभी तक तो हमने एक ही पढ़ाया ना कि जिस वाक्य में पास्ट की बात हो लेकिन था थे थी ना हो, ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, यही बोलते हैं ना। अब आगे चलकर आपको बताया जाएगा, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर था थे थी ना हो, था थे थी हो भी सकता। तो उसका तीसरा पार्ट पढ़ाया जाएगा। ऐसी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने क्या पढ़ाया कि जिस वाक्य के अंत में तर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन उसका दूसरे भी सिंबल्स हैं। दूसरा और तीसरा हिस्सा आपको अगले लेसन से पढ़ाया जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे जैसे हम एडवांस इंग्लिश की ओर बढ़ेंगे आपकी नॉलेज दी जाएगी। तो वो आया था, अभी आया था, सच्ची कसम से वो आया था भाई, आया था। मतलब हम इस बात को जोर दे रहे हैं कि वो अवश्य आया था। अरे कल यार अमिताभ बच्चन से बात हो रही थी, कल मेरे साथ बैठ के चाय पी रहा, मजाक कर रहा, सच्ची कसम से चाय पी थी भी मैंने, राइट। हम बात पर जोर दे रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों के अंदर क्योंकि मैंने थाती थी वाला पास्ट इंडेफिनिट अभी आपको पढ़ाया नहीं है, वो आगे चल के आपको पढ़ाएंगे। तो उसके लिए क्या आएगा कि ही डिड का, ही डिड का बता दीजिए आप लोग, उतार लिया आप लोगों ने। ही डज कम, वह आया था, अभी आया था, ही। तो आज की लेसन की समाप्ति हम करते हैं इसी विश्वास के साथ कि जो लेसन हम आपको पढ़ा रहे हैं, ग्रामर तो आप लर्न कर ही रहे हैं, अंग्रेजी बोलना तो आप सीख ही रहे हैं, अंग्रेजी के साथ साथ आप इन बातों को अपने जीवन में भी उतारेंगे और अवश्य उतारेंगे। तो ये स्कूल के वातावरण का असर जो है व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। अरे इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। एक मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, भास्कर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है।